विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कक्षा 12 नामक के मूल तत्व में आज हम प्रकरण 4 वित्तीय पत्रों का विश्लेषण इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें आपको मुख्य रूप से जो है वित्तीय पत्रों के बारे में, जैसे वित्तीय पत्रों का अर्थ है उसके विषय में, और इसके प्रकार वित्तीय पत्र के जो विश्लेषण हैं तो वित्तीय विश्लेषण के प्रकार, इसके अलावा जो इनके अलग अलग प्रकार हैं उनके अंदर जैसे सामान्य माप के पत्रक और आता है तुलनात्मक पत्रक, तो इनके हम आज हम इनके द्वारा प्रश्न कैसे किया जाना है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण जो थियरी है इसमें वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा प्रश्नों पर चलेंगे जो महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसको जो है मार्क्स की दृष्टि देखें, इसका जो गुण भार है जो अपने परीक्षा बोर्ड में आना है तो उसके अनुसार आप देखेंगे तो सेक्शन बी में इसमें एक क्वेश्चन आता है और उसका नंबर एक होता है, और इस तरह से बी में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा और वो 4 नंबर का होगा, और इस तरह ये 4 नंबर का सेक्शन डी में पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी और डी दोनों मिलाकर के 5 नंबर का आपको इसमें पूछा जाता है परीक्षा में। तो थियरी में आपको एक वाक्य का एक खाली प्रश्न आपका उत्तर देना होता है और बाकी उसके बाद आपका 4 नंबर का एक सवाल हल करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि वित्तीय पत्रक क्या है, वित्तीय पत्रकों का अर्थ। तो देखिए वित्तीय पत्रक अर्थात ऐसे पत्रक जिनके द्वारा इकाई की वित्तीय परिस्थिति, जिसको हम कहते हैं आर्थिक परिस्थिति, और विविध पहलुओं के परिणामों, दो चीज आपको खास ध्यान रखना है कि एक तो वित्तीय परिस्थिति, दूसरा परिणामों, विविध पहलुओं के परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वह क्या है, वित्तीय पत्रक है। फिर आगे देखते हैं कि वित्तीय पत्रक धंधा की इकाई की विवरणवार वित्तीय परिस्थिति दर्शाती व्यवस्थित रीत से तैयार किया गया एक रिपोर्ट है, यानी एक रिपोर्ट इसको आप कह सकते हैं पत्रक को, कि जो धंधा की इकाई की विवरणवार या विगतवार वित्तीय परिस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद वित्तीय पत्रक के लिए आप देखिए कि वित्तीय पत्रक तैयार होने के बाद जब वित्तीय पत्रक बन जाता है तो तैयार, जैसे लाभांश का पत्रक है, पक्की तलपट है, तो तैयार हो जाने के बाद उनकी पुनः रचना करके उनकी तुलना हो सके उस स्वरूप में तैयार किया जाता है। उसमें आपको जैसे 2 वर्ष है, 16-17, 17-18, तो 2 वर्ष के अलग अलग आंकड़े आपको दिए रहेंगे जिससे आप उसकी तुलना कर सकें। तो तुलनात्मक स्वरूप में तैयार हुए वित्तीय पत्रकों के आधार पर विविध पक्षकार अपने जरूरी निर्णय लेते हैं। जो भी धंधे के पक्षकार होते हैं वह उनको तुलना करके और अपने जरूरी निर्णय लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। तो आपको एक नई परिभाषा भी आ गई कि वित्तीय विश्लेषण अर्थात क्या। तो वित्तीय विश्लेषण में आपको यही बताना होगा कि वित्तीय पत्रक तैयार करके पुनः उसको तुलना के स्वरूप में तैयार किया जाता है, और उसको तुलना के स्वरूप में तैयार करके जो उसके विविध पक्षकार होते हैं उसके बारे में निर्णय लेते हैं। अब आता है इसके बाद कि पक्षकारों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण 2 रीत से बनाया जाता है। ये आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि पक्षकारों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण के कितने प्रकार हैं, कितनी रीतियां हैं, तो आपको बतानी 2। एक है बाह्य विश्लेषण और दूसरा है आंतरिक विश्लेषण। और अब इसमें आपको मैं तो एक वाक्य के उत्तर में आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर। जैसे मान लो बाह्य विश्लेषण आपको पूछा जाता है, तो बाह्य विश्लेषण का मतलब कि जब धंधा के बाह्य पक्षकार, जैसे जो है ये इसके अंदर संभावित विनियोगकर्ता हुए, वित्तीय संस्थाएं हुई, सरकारी एजेंसियां हुई, क्रेडिट रेटेड एजेंसियां हुई, संशोधनकर्ता हुए आदि, तो ये सब लोग जो बाह्य पक्षकार हैं वह अपने हिसाब के आवक के पत्रक है, पक्की तलपट है, ऑडिटर का रिपोर्ट है, अगर इसका विश्लेषण करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो वह विश्लेषण क्या कहा जाएगा, बाह्य विश्लेषण कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें है आंतरिक विश्लेषण। आंतरिक विश्लेषण के बारे में आप समझाना चाहें तो ये इंटरनल एनालिसिस है, और इसके बारे में आप कह सकते हैं कि धंधा के संचालक, जो धंधा के जो मालिक हैं वो धंधा के संचालक तैयार हुए वित्तीय पत्रकों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इन निर्णय के आधार पर उसका विश्लेषण होता है। तो जब धंधा के संचालक द्वारा निर्णय लेने के लिए वित्तीय पत्रक
का विश्लेषण किया जाए तो वो कौन सा विश्लेषण कहा जाएगा, आंतरिक विश्लेषण, यानी धंधे के संचालक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बाह्य पक्षकार हुए जो धंधे में विनियोग करता है या सरकार है, ऐसा कोई भी पक्षकार बाहर का हो सकता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न जो कि समतल स्वरूप विश्लेषण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समतल स्वरूप विश्लेषण क्या है, बराबर होरिजेंटल एनालिसिस क्या है। तो आपको बताएंगे कि समतल स्वरूप विश्लेषण में अलग अलग वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना की जाती है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर अलग अलग वर्ष, बराबर एक से अधिक वर्ष की तुलना की जाती है, तो वो समतल है, समतल विश्लेषण है। और फिर आपको पूछा जाता है कि ऊर्ध्व विश्लेषण क्या है, तो ऊर्ध्व विश्लेषण या खड़ा स्वरूप का विश्लेषण जिसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, तो इसका उपयोग एक ही वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना के लिए होता है। अब ध्यान रखना दोनों में अंतर, ये अलग अलग वर्ष के लिए है और यह एक ही वर्ष के लिए है। तो एक ही वर्ष के वित्तीय पत्र की तुलना के लिए होता है अलग अलग इकाइयों की। देखिए तो कैसे होगा, एक ही वर्ष के अलग अलग इकाइयों की या एक जैसी अलग अलग इकाइयों की तुलना की जाती है, अथवा विभागों की कार्यदक्षता की तुलना के लिए यह उपयोगी है। तो इस तरह आपको दो विश्लेषण ध्यान रखकर, समतल और ऊर्ध्व विश्लेषण क्या है, ये सब आपको इनमें से मिल ही जाता है। एक नंबर का जो प्रश्न मैंने बताया इनमें से आपको मिल जाता है। आगे समय के आधार पर वित्तीय विश्लेषण के कितने प्रकार हैं, कितना बताएंगे आप, दो प्रकार हैं समय के आधार पर। एक है दीर्घकाल का विश्लेषण और दूसरा है अल्पकाल का विश्लेषण। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई दीर्घकाल का विश्लेषण जो है समय के आधार पर है, तो दीर्घकाल का विश्लेषण यानी क्या, तो आप उसमें बता सकते हैं इसके अंदर दीर्घकाल में कि अगर जो संस्थाएं विश्लेषण करती हैं दीर्घकालीन के अंतर्गत, तो उसमें एक से अधिक वर्षों के अगर जो है उसके आंकड़े या उसके एक से अधिक वर्ष के माहिती की जरूरत पड़ती है तो वह विश्लेषण दीर्घकालीन है। और अगर 12 मास से कम, बराबर, या एक वर्ष से कम समय के लिए अगर जो है माहिती या आंकड़ों की जानकारी की जरूरत पड़ती है तो वह अल्पकालीन विश्लेषण उसको कहा जाएगा, विश्लेषण कहा जाएगा, अल्पकालीन विश्लेषण कहा जाएगा वो। तो इस तरह दोनों में यही अंतर है इसके अंदर कि सामान्य रूप से 12 मास के अंदर अल्प में आएगा, 12 मार्च से अधिक है तो वो दीर्घकालीन विश्लेषण में उसको हम बता सकते हैं। तो इस तरह से ये दो विश्लेषण इसके बारे में हुए। उसके बाद आपको इसमें कुछ और जानकारी देखिए जरा इससे रिलेटेड कि तुलनात्मक पत्रक में तुलनात्मक पक्की तलपट और तुलनात्मक लाभान का पत्रक तैयार किया जाता है। आपको पूछा जाएगा भाई तुलनात्मक पत्रक क्या है, तो तुलनात्मक पत्रक में बताना है आपको कि तुलनात्मक पक्की तलपट और तुलनात्मक लाभांश का पत्रक तैयार होता है और यह तुलना समतल स्वरूप में होती है। समतल स्वरूप आप समझ गए, अलग अलग वर्ष, तो समतल स्वरूप में होती है। पहले के वर्ष की तुलना से संबंधित विवरण के लिए चालू वर्ष में रुपया में कितनी वृद्धि कमी, रुपया में कितनी वृद्धि कमी प्रतिशत में हुई, इसकी जानकारी यहाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है समान माप के पत्रक। अब समान माप के पत्रक क्या है, तो समान माप के पत्रक में पक्की तलपट और लाभान का पत्रक का समावेश होता है। यह तुलना ऊर्ध्व यानी एक ही वर्ष के आंकड़े पर से होती है, स्वरूप में होती है। पक्की तलपट के योग को आधार के रूप में लिया जाता है, यानी कि पक्की तलपट के योग के आधार में संपत्ति दायित्व का क्या परिवर्तन हुआ वो जाना जाता है, जबकि लाभान के पत्रक में बिक्री को आधार माना जाता है, यानी बिक्री के सामने जो खर्चे आवक हैं उनका कितना परिवर्तन हुआ रुपए प्रतिशत में उसको जाना जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दो बातें और बताई गई हैं कि संपत्ति के उपयोग संबंधी माहिती खाली जगह विश्लेषण है, तो कौन सा विश्लेषण कहेंगे इसको, कार्य क्षमता का विश्लेषण, यानी संपत्ति की माहिती का अगर विश्लेषण पूछा गया है तो उसको हम कहेंगे कार्य क्षमता का विश्लेषण। दूसरा है वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण क्या करता है, तो वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण यह अर्थघटन करता है। आप इस तरह से इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और अब इसके ऊपर से हम आपको प्रश्न जो है उसमें थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो आप अपने बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है, आप एक बार सवाल देख लेंगे, बाकी किताब आपके पास रखना है जब भी आप प्रैक्टिस करें तब। तो देखिए यहाँ पर आपको ये किताब का प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है,
इसमें बोला गया है कि समान कंपनी लिमिटेड का 31/3/16 31/3/17 दो वर्ष की माहिती दी गई है और उसकी संक्षिप्त लाभान पत्रक आपको दिया है, उसके आधार पर तुलनात्मक लाभान पत्रक तैयार कीजिए। आपको 4 नंबर का सवाल जो मैंने बताया इस स्वरूप में पूछा जाता है। तो यहाँ लाभान का पत्रक आपने पक्की तल पर जो कंपनी का वार्षिक हिसाब देखा उसके अंदर आपने देखा कि लाभान खाते में सबसे पहले बिक्री से उपज बताते हैं, फिर अन्य आवक होती है, फिर खर्च होता है और फिर लाभ होता है, फिर आयकर के बाद का लाभ होता है। ऐसे अपने स्टेप देख चुके हैं। तो आपको यहाँ इतनी माहिती दिया, खाली बिक्री से उपज बताया है और अन्य आवक और खर्च और आयकर का प्रतिशत दिया हुआ है। और कॉलम देखिए यहाँ पर 31/3/17 की माहिती दिया है और 31/3/16 की माहिती दिया है। तो आपको किताब में खाली इतनी माहिती दिया है और इस पर से आपको तुलनात्मक पत्रक बनाना है। इसके अंदर तो तुलनात्मक पत्रक आपका 2 वर्ष के लिए इसमें दिया है, 16/17 का वर्ष का है। तो अब इस पर से हम इसको ये प्रश्न कैसे हल करना है तो उसका हम पत्रक देखते हैं जरा इसके अंदर। तो इसका पत्रक आपको बनाना हो तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो आप ये देखिए, ये इसका पत्रक का नमूना हुआ यहाँ पर। यहाँ पर अपने जब पत्रक तैयार करेंगे तो ऊपर हेडिंग हो गया समान कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/16 और 31/3/17 के रोज पूरा होते वर्ष का तुलनात्मक लाभान पत्रक, ऐसा हेडिंग बनेगा। पहला कॉलम विवरण का होगा, फिर दूसरा टिप्पणी नंबर होगा, तीसरा कॉलम होगा 31/3/16, इसको हम क्रम में ले लेंगे। पहले 16 का वर्ष है तो 31/3/16 के वर्ष के आंकड़े ले लेंगे, फिर 31/3/17 के आंकड़े ले लेंगे चौथा कॉलम में। 4 कॉलम हो गए और 5वें कॉलम में आएगा वृद्धि कमी रुपए में, यानी रुपए में कितना परिवर्तन हुआ उसको लेंगे, जिसके अंदर हम जिसको कहेंगे 5वां कॉलम। 5वां कॉलम कैसे निकलेगा, 4थे कॉलम में से 3रा कॉलम माइनस कर देंगे, यानी 33 लाख है तो 22 लाख माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से वृद्धि कमी प्रतिशत में ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको निकालने के लिए आप जो है 5वें कॉलम में 3रे कॉलम का भाग देंगे, ठीक है। 5वें कॉलम में 3रे कॉलम का भाग देके 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये कॉलम मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने कॉलम के बारे में बताया। अब देखते हैं इसके अंदर आपने पक्की तलपट का जो आपने देखा इसमें वार्षिक हिसाब कंपनी का, उसमें लाभान के पत्रक में पहला कॉलम आता है जो बिक्री से उपज, ये हेडिंग रहती है। तो यहाँ पर आपको आंकड़े दिए हुए हैं तो आपको वही लिख देना है। तो 16 के आंकड़े में 22 लाख है और 17 के में दिया है 33 लाख। तो इस पर से बिक्री की उपज जो है उसकी तुलना करेंगे तो वृद्धि कमी रुपए में 5वां कॉलम निकालेंगे, 4थे में से 3रा माइनस करेंगे, ये 4थे में से 3रा माइनस होगा तो जो अंतर बचेगा वो बचेगा 11 लाख, 33 में से 12 गया तो 11 लाख। तो इस तरह से 11 लाख इसके अंदर आप बताएंगे जो है 5वें कॉलम में 11 लाख आएगा, ठीक है। और उसी आधार पर आपको प्रतिशत में निकालना है इसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5वें कॉलम में 3रे कॉलम का भाग देना है और गुणे 100 करना है, ठीक है। तो 5वां कॉलम कितना आया 11 लाख, 3रा कॉलम कितना है 22 लाख, तो 11 लाख बटे में 22 लाख, ठीक, और गुणे 100। आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट मिलेगी 50%। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ दर्शा सकते हैं 50% बराबर ये प्रतिशत में आ गया। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट हो गया। फिर देखिए आगे इसी क्रम में चलना है। अन्य आवक आपको किताब में दिया हुआ है, 16 में दिया है 1,50 और 17 में दिया है 2,25,000। तो अब हम कॉलम नंबर 5 निकालेंगे, 4थे में से 3रा घटाएंगे, बहुत सरल है, आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो एकदम बहुत सरल है ये। तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, 75,000 आएगा, 75,000। 5वां कॉलम निकाल लिया, रुपये में परिवर्तन आ गया। अब प्रतिशत में परिवर्तन के लिए 6ठा कॉलम निकालेंगे, 5वें कॉलम में 3रे कॉलम का भाग देंगे, ठीक है। तो 5वां कॉलम कितना आया 75,000, उसमें कितने भाग होगा 3रे कॉलम का, यहाँ पर ये 50 का भाग होगा और गुणे क्या होगा 100। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी कितना परसेंट आया, 50% आया, 50% आया। आगे बढ़ेंगे, कुल आवक इसको जोड़ देंगे तो इसका टोटल आया है जो है इसके अंदर 23,50,000, इसका टोटल आया 35,25,000। इसका अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर आएगा, इसको घटाएंगे यहाँ से 35-25 में से 23-50 घटा देंगे तो अंतर आया 11,75,000। तो यहाँ पर 11,75,000 अंतर आ गया। और फिर इसकी उसी तरह से जो है 5वां कॉलम को मैं 3रे कॉलम का भाग गुणे 100 करेंगे और यहाँ पर अंतर आपको फिर से यहाँ पर कितना आ रहा है 50% आ जाएगा। फिर उसके बाद अब खर्च आपको किताब में दिया हुआ है, 16 का खर्च है 15,40, 17 का खर्च है 23,76 और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे
ये आपको आता है 2376 है, जिसमें से माइनस कर देंगे तो 8,36,000 बच रहा है, 8,36,000 ये डिफरेंस आ गया। और अब छठा कॉलम निकालेंगे, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का भाग देखिए 100 का गुणा कर देंगे, रकम आएगी 54.29 आ रहा है इसके अंदर, 54.29 इसका परसेंट आ गया। फिर आगे खर्च को घटा देंगे और कुल आवक में से, तो ये देखिए आयकर के पहले का लाभ मिल गया। अब आयकर के पहले का लाभ जो आया वो रकम 16 की है 8,10 और 17 की है 11,49,000, और इस पर से हम इसको अंतर निकाल लेंगे तो 3,39,000 बचा, 3,39,000। और फिर छठा कॉलम निकाल लेंगे, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का भाग गुणे 100। एक बार आप खाली नियम देख लिए फिर आपको सवाल हल करने में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो अब ये रकम जो अपने इसका परसेंट निकालेंगे तो 3,39,000 बचा, तो ये बचा 41.85, 41.85% आया। अब उसमें से आयकर घटाओ, आयकर आपको दिया है 30% करना है, तो ये 8,10,000 उसका 30% किया 2,43 आया, 11,49,000 उसका 30% किया तो 3,44,700 आया, ठीक है। और इसको फिर इसको भी गणना कर लेंगे, तो इसकी गणना करेंगे तो यहाँ 2,43 है और यहाँ 34, 3,44,700 है, अंतर आएगा 1,01,700, 1,01,700, ठीक है, ये अंतर इसका आया। और उसके ऊपर से इसका परसेंट निकाल लेंगे, तो इसका परसेंट वही मतलब पांचवा कॉलम भागे तीसरा कॉलम गुणे 100 उसी से करेंगे, तो इसका भी अंतर आ रहा है 41.85, 41.85 इसका डिफरेंस आया। और अब आयकर के बाद का लाभ तो माइनस कर लेंगे, 8,10 में से इसको माइनस किया आयकर तो आया 5,67, 11,49 में से 3,44,700 माइनस किया आया 8,04,300। और फिर इसका भी वही स्टेप करेंगे, पांचवा कॉलम निकाल लेंगे पहले, तो पांचवा कॉलम में इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 2,37,300, 2,37,300 ये इसका अंतर आ गया। और उसके बाद फिर जो है छठा कॉलम निकाल लेंगे, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का भाग गुणे 100 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 41.85। इस तरह से आप इसको करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है, आपका 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। कुछ भी आपको करना नहीं है, आपको किताब में जो उसको उतार लेना है और उसके बाद आपका रुपया प्रतिशत में दोनों में अंतर आपको निकाल देना है। इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। खाली आपको गणना में ध्यान रखना है कि आपकी गिनती में कहीं गलती ज़्यादा ना होने पाए, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसी आधार पर हम आगे सवाल गिन रहे हैं इसके अंदर, और अब आएगा सवाल नंबर, ये 4था नंबर था, इसी जैसे 5वां प्रश्न करेंगे अब इसके अंदर। तो सवाल नंबर 5, पांचवें सवाल में देखिए आपको यहाँ दिया है इस तरह से, पहले महती देख लीजिए, सेम वही करना है। यहाँ पर भी 31, 3, 16 और 17 का महती दिया, लाभांश का पत्रक दिया है, उस पर से तुलनात्मक लाभांश का पत्रक बनाना है। कंपनी का नाम है सृष्टि कंपनी लिमिटेड, बिक्री की उपज दिया है, अन्य आवक दिया है, उपयोग में लिए माल की लागत दिया है, वित्तीय खर्च दिया है, घिसाई दिया है, अन्य खर्च दिया है और 30% आयकर का प्रावधान करना है। इतनी माहिती आपको यहाँ पर दिया है और बाकी सब इसके अंदर आपको जो भी विगत यहाँ दिया हुआ है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट में इसको उतार लेंगे। तो इसको उतारेंगे तो आप किताब में देखिए, मैंने यहाँ पर बना के उतारा हुआ है। तो जैसे देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 5, सृष्टि कंपनी लिमिटेड का 31/3/16 31/3/17 के दिन का पूरा होने वाले वर्ष का तुलनात्मक लाभांश का पत्रक। फिर उसके बाद कॉलम जैसे बनाए हम, पहला कॉलम विवरण का, दूसरा टिप्पणी नंबर, तीसरा कॉलम 31/3/16, चौथा 31/3/17 का माहिती, और फिर वृद्धि कमी रुपए में कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 वृद्धि कमी प्रतिशत में, सेम वही चीज़। एक सवाल आप कर लिए तो आप कितने भी सवाल करते जाओ, और आपको इस सवाल करने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपका सवाल भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक सवाल किया और आ गया फिर छोड़ दिए, आपको प्रैक्टिस इसी तरह से कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर बिक्री की उपज देखा, 16 में है 1950 और 17 में है 23,35,000, अंतर निकाल देंगे तो पांचवा कॉलम आएगा चौथा माइनस तीसरा, जैसे अपने अगले सवाल में किया तो 5,85,000 का यहाँ पर अंतर आया, 5,85,000 ये आ गया। और अब छठा कॉलम निकाल लेंगे, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का भाग गुणे 100। अब बार बार वही आपको रिपीट करना है, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट इसमें करते जाता हूँ। तो कितना परसेंट आएगा, 30% आएगा,
ये इसका डिफरेंस 30% आ गया। ठीक है, आपको सभी गणना कैलसी से करना है तो कैलकुलेटर से आप रखते जाइए, फटाफट करते जाइए। अन्य आवक दिया है 190 और 16 का और 17 का 285 है, अंतर निकालेंगे 95,000 आएगा, 95 आएगा। और उसी तरह से प्रतिशत निकालेंगे, छठे कॉलम को निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आया 50% आया, ये 50% आया। उसके बाद आप कुल आवक जोड़ देंगे दोनों को, तो जोड़ेंगे तो 16 में कुल आवक मिल जाएगी 21,40,000 हो जाएगा, 21,40,000। और 17 में कुल आवक होगी 28,20,000, 28,20,000 कुल आवक हो गई। और उसके बाद फिर पांचवे कॉलम का टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल होगा 6,80,000, 6,80,000 इसका कॉलम का हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये पांचवे कॉलम को, जैसे अपने सूत्र है पांचवा कॉलम भागे तीसरा कॉलम बराबर गुणे 100 करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 31.78, ये परसेंट आ गया। ठीक, उसके बाद अब अगला जो है करेंगे तो इसमें खर्च, अब खर्च अलग अलग दिया है, पहला दिया उपयोग, आपको कुछ इसमें सब कुछ दिया रहेगा, आप खाली उसको क्रम से लगा दीजिए बस, और क्रम में भी आपको दिया रहेगा। उपयोग में लिया माल है तो 16 का है 950 और 17 का है 11,40,000, तो इसका अंतर निकालेंगे 190 आएगा, 1,90,000 आया। और फिर इसका हम क्या करेंगे, छठा कॉलम प्रतिशत निकालेंगे, पांचवा भागे तीसरा गुणे 100 करेंगे तो इसका आएगा 20%, तो 20% आपका ये प्रतिशत में परिवर्तन आ गया। वित्तीय खर्च दिया है 1,50 है 16 का और 17 का 90, अब ध्यान रखना है ये देखिए यहाँ पर आप जो घटाएंगे तो माइनस हो रहा है, देखिए 16 का ज़्यादा है 17 का कम है तो माइनस में रकम आएगी, माइनस आएगी तो कितना माइनस आएगी 60,000, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे 60,000, यानी ये रकम माइनस में आई माइनस करने पर। ठीक है, और फिर इसका परसेंट भी माइनस में आएगा, निकालेंगे उसी तरह से पाँचवा कॉलम बटे तीसरा कॉलम गुणे 100, तो रकम जो आएगी वो प्रतिशत माइनस में लिखेंगे 40% आएगा, 40%, ये भी देखो माइनस में। ठीक, उसके बाद अब घिसाई, तो घिसाई यहाँ पर देखिए इक्वल है दोनों है तो फिर यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, सेम है इसके अंदर, कुछ नहीं बताना है। फिर अन्य खर्च यहाँ पर 340 है और 425 है, अंतर निकालेंगे तो 85,000 आएगा, 85,000। और उसके बाद फिर इसका परसेंट निकालेंगे, छठा कोलम पाँचवा में तीसरे का भाग देंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 25% आ जाएगा, 25% आ गया। ठीक, और उसके बाद फिर अब कुल खर्च है, तो कुल खर्च में 15,00,000 है, 17,15,000 है, देखिए कुल खर्च, इसको हम अंतर निकालेंगे तो 2,15,000 आया, 2,15,000। और फिर छठा कॉलम के लिए पांचवें में तीसरे के भाग एक गुणा करेंगे 100 का तो इसका आएगा 14.33% आएगा। ठीक, अब करवेरा के पहले का लाभ, तो करवेरा के पहले का लाभ यानी क्या करेंगे, इसमें तीसरा कॉलम में से चौथा घटाएंगे, सॉरी जो अपने तीसरा नंबर है ये रहा कुल आवक, तीसरा नंबर का नंबर तीन की कुल आवक है और ये नंबर जो है कौन सा नंबर आएगा, चौथा नंबर, चौथा जो है कुल खर्च है, तो कुल आवक माइनस कुल खर्च बराबर, कुल आवक माइनस कुल खर्च वो ध्यान रखना आप लोग, तो तीसरा माइनस चौथा कॉलम, तो इसको माइनस करेंगे तो कुल आवक में कुल खर्च आया तो कितना 640 आया 16 का, 17 में कुल आवक माइनस कुल खर्च किया तो कितना आया 11,05,000 हुआ, और अंतर निकालेंगे 4,65,000 आया, 4,65,000 आया। और फिर अंतर निकालेंगे तो फिर अंतर इसी तरह निकालेंगे, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का भाग गुणे 100 निकालेंगे इसको तो ये अंतर आपको आ जाएगा 72.66, इसका परसेंट आ गया। और उसके बाद करवेरा या आयकर माइनस करेंगे, 30% है तो 640 का 30% 1,92,000 और 11,05,000 का 30% 3,31,500 हुआ। और अब इसका अंतर निकालेंगे तो 1,39,500 हो रहा है, 1,39,500 हो रहा है। और फिर छठा कॉलम निकाल लेंगे भाग दे करके, पांचवा भागे तीसरा गुणे 100 करेंगे तो आएगा वही 72.66। और उसके बाद करवेरा के बाद का लाभ, तो करवेरा के बाद का लाभ में
जो करवेरा पहले का लाभ आया था उसमें से करवेरा घटा देंगे तो ये देखिए रकम आ गई, 11,500 में से ये घटा दिया तो ये देखो ये रकम आ गई ठीक। और इसके ऊपर से अंतर निकालेंगे तो 3,25,500 आ रहा है, 3,25,500 ये अंतर आ गया। और इस पर से परसेंट निकालेंगे, पांचवा कॉलम भागे तीसरा कॉलम गुणे 100 तो करेंगे तो 72.66। तो विद्यार्थी मित्रों बहुत ही सिंपल चैप्टर आपके लिए है ये, आपके नंबर इसमें एक भी जाने नहीं चाहिए और पूरे पूरे मिलेंगे आपको, एक नंबर थियरी का और 4 नंबर सवाल का। ऐसे अभी और भी प्रश्न हम आगे गिनेंगे, उसमें सामान्य माप का भी आएगा पत्रक, तुलनात्मक पत्रक भी आ जाएगा, और बहुत ही आप सावधानी से करेंगे तो इसमें कभी गलती होगी नहीं और आपको पूरे पूरे मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। एक रीत आप अच्छी तरह से एक सवाल समझ लेंगे तो बाकी सवाल आपको करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो अब अगले वीडियो में हम फिर से नए प्रश्न लेकर के आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।